हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्लास 10th और 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने मोबाइल के द्वारा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल से ही कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्लास 10th और 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसको बताने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां से आपको बताते हैं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में जो है कि प्ले स्टोर में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद वो एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है डीजी लॉकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको सर्च कर लेना है डीजी लॉकर। जब फ्रेंड्स आप डीजी लॉकर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है कि आपका एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ से जो है कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले जो है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब फ्रेंड्स आप डीजी लॉकर को ओपन करेंगे तो यह जो है कि ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से जो है कि ओपन होगा, और यहाँ पर जो है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर जब आप डीजी लॉकर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए हम डीजी लॉकर को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर जो है कि गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो है कि दो ऑप्शन आपको देगा। एक ऑप्शन आपको देगा साइन इन का, और एक ऑप्शन आपको देगा क्रिएट अकाउंट का। तो फ्रेंड्स, हमने जो है कि कैसे डीजी लॉकर में अकाउंट बनाते हैं, इस पर जो है कि वीडियो बनाया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कि इसमें अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं और आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं तो कि क्लास 10th और 12th का कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाउनलोड करने जा रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारा पासवर्ड वगैरह बनाना पड़ता है, तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। जब फ्रेंड्स आप डीजी लॉकर में लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर मोर का, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप एक्सप्लोर मोर का क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो है कि आपको जो एजुकेशन वाला ऑप्शन है इसमें आपको आ जाना है। जब फ्रेंड्स आप एजुकेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में अभी जितने भी बोर्ड चल रहे हैं सभी बोर्ड यहाँ पर शो होंगे। तो आप किसी भी बोर्ड का जो है कि सर्टिफिकेट वगैरह जो है कि डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम जो है कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो CBSE बोर्ड का क्लास 10th और 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो यहाँ से चलिए हम CBSE बोर्ड चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, CBSE बोर्ड का दिया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसी पर हम क्लिक कर लेते हैं। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है कि क्लास 10th मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया है, क्लास 10th जो है कि मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो यहाँ से जो है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्लास 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्लास 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्लास 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लास 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर जो है कि आप आधार कार्ड डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। जब आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल करके वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है कि आपका
माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। हमने जो है कि इसमें अभी तक आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया है, तो इसलिए जो है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो क्लास ट्वेल्थ में भी उसी तरह से आपको डाउनलोड करना है। चलिए एक बार हम फिर चलते हैं, यहाँ पर हमने बैक हो गया था। तो यहाँ पर देखिए क्लास ट्वेल्थ का दिया गया है, क्लास ट्वेल्थ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वेरीफाई के लिए पूछ रहा है, तो इस पर आपको फुलफिल करके, और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका जो है कि वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का दोनों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और फ्रेंड्स अगर आप दूसरे बोर्ड के हैं तो दूसरे बोर्ड का आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए अगर यूपी बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं या जो है कि झारखंड बोर्ड के हैं, तो इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन दिया गया है तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नहीं दिया गया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, तब जो है कि आप अपने कॉलेज पर पता करिएगा या जो आपका बोर्ड है वहाँ से पता करिएगा कि किस तरह से बनेंगे। आप जो है कि इसके जो आपका बोर्ड है उसके ऑफिस में जाकर के भी बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।